damn, I fall for your love. उम्मीद करते हैं मेरे को ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जा भी होंगे, बड़े बेहतरीन होंगे। तो यार आज हमारा रिएक्शन जो है वो एक टॉपिक चेंज हो गया है, सिटी रिएक्शंस पे आ गए हम लोग वापस। और किस पे रिदा? सूरत सिटी। सूरत सिटी भी आज हम रिएक्शन करने लगे हैं और सूरत सिटी का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहा था कमेंट बॉक्स में और लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे और बहुत सुना भी है सूरत सिटी के बारे में। सूरत सिटी के बारे में तो यार देखते हैं सूरत सिटी कैसा है और क्या ये दूसरे सिटीज के साथ कंपेयर करता है या नहीं, मुकाबले का है या नहीं है। या देखो जैसे दिल्ली में और जो है ना मुंबई में और इतने सारे नोएडा सिटी, हमने काफी सारे सिटीज पे रिएक्शन भी किया तो हमने अंदाजा है मतलब इंडिया के सिटीज किस तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं सूरत सिटी इनके मुकाबले में है कि नहीं। तो यार चलते हैं रिएक्शन की तरफ। जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। चलते हैं रिएक्शन की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 2 1 गो। गुजरात टूरिज्म। Gujarat is this year's winner of the award for India's cleanest city number 2 in the population of more than 1 lakh category. जी तो सूरत सिटी तो बहुत सारे और इसके साथ साथ डायमंड सिटी भी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी और अरेबियन सी से भी इसका एक बेंट है जहाजरा इसका जिसका नाम है। बहुत जबरदस्त बात है यार, मतलब कि पोर्ट वगैरह भी होंगे इधर। हाँ ऐसी बात है, अरेबियन सी से अगर बेंट है इसका तो। और 1818 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर फॉर्म हुई थी फर्स्टली, मतलब आई सबसे पहले यहाँ पे थी, ब्रिटिश सबसे पहले यहीं पे आए थे। तो यार क्लीनेस्ट सिटी भी था, इतने अच्छा बिल्डिंग्स भी थी, इंडस्ट्रियल हब भी कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा ब्रिजेस भी यहीं पर थे, सबसे ज्यादा ब्रिजेस भी यहीं पर। और वो जो ब्रिज दिखाया था वो तो बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सिटी था और बहुत अच्छा लगा और गुजरात का हिस्सा था, जाहिर सी बात है अच्छा ही था, ठीक है ना। तो
आप क्या बोलोगे इसके बारे में? बस मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। डायमंड क्लीन सिटी था, मतलब लोग मतलब अच्छे और बिल्डिंग अच्छी सब कुछ, मतलब तमीज वाले लोग। जैसे हमारे कराची में तो बहुत बुरा हाल होता है यार, गार्बेज वार्बेज का तो कोई सिस्टम इतना खास है ही नहीं यहाँ पे। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सबसे ज्यादा नेशनल जो है ना, सबसे ज्यादा जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी सिटीज से कंपेयर कर रहा था, मतलब कि टक्कर पे था, टक्कर पे था भाई, सही वाली टक्कर। और डायमंड तो फिर बताया ना। चले यार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द लास्ट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे एक नए रिएक्शन और एक नए सिटी रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।